Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. पिछले दो लेक्चर से हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. हमने अब तक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की टाइप्स का एक ओवरव्यू देख लिया है. इसके अलावा आपको केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल और इसके अलावा क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. आज के लेक्चर में इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हमने डिस्कस करना है केमिकल नेचर ऑफ कैरोटीनॉइड्स. इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स जो प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको भी डिस्कस करना है. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अक्रेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन प्लांट बॉडी कि प्लांट बॉडी के अंदर ये कैरोटीनॉइड्स किस जगह पर मौजूद होते हैं. फिर इसके साथ साथ हमने फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स की भी बात करनी है आज के लेक्चर में. और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेसरी और नेसेसरी पिगमेंट जो लास्ट लेक्चर में भी हमने टर्म्स यूज़ की थी उनका क्या मीनिंग होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी हम यहाँ पर लर्न करेंगे. और इसके अलावा हमने आज के लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी डिस्कस करना है. और साथ साथ हम इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ कंपेयर भी करेंगे. हमने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आज लर्न करने के बाद एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ उसको कंपेयर भी करेंगे. तो आज के लेक्चर के एंड तक इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जब हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर दो मेजर ग्रुप्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. एक ग्रुप को कहा जाता है क्लोरोफिल जो कि आमतौर पर ग्रीन पिगमेंट्स कहलाते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. और दूसरा ग्रुप कहलाता है कैरोटीनॉइड्स. तो आज हम कैरोटीनॉइड्स की केमिकल नेचर को डिस्कस करते हैं. देखिए जो कैरोटीनॉइड कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली टर्पेनॉइड टाइप के लिपिड्स हैं. हमने जिस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी क्लोरोफिल टेल में एक पार्ट पड़ा था फाइटोल, वो भी एक टर्पेनॉइड टाइप का लिपिड था, बिल्कुल इसी तरह से कैरोटीनॉइड आल्सो बिलोंग टू द टर्पेनॉइड टाइप ऑफ लिपिड्स. तो इनकी केमिकल नेचर अगर आप एक्सप्लेन करें तो केमिकल नेचर में आपने बताना है कि कैरोटीनॉइड्स एक्चुअली टर्पेनॉइड टाइप के लिपिड्स हैं. इनकी केमिकल नेचर आप क्या बताएंगे? टर्पेनॉइड्स ये लिपिड्स का एक ग्रुप है, ड्राइव लिपिड्स से ये बिलोंग करते हैं टर्पेनॉइड्स. टर्पेनॉइड्स में एक किस्म होती है उसे कहते हैं टर्पीन्स. तो ये जो कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं ये बुनियादी तौर पर टर्पीन से ताल्लुक रखते हैं. और टर्पीन्स दरअसल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आइसोप्रीन यूनिट्स की कम्बिनेशन से वजूद में आते हैं. आइसोप्रीन यूनिट्स ये आपने चैप्टर 2 में बायोमोलिक्यूल्स में इनके बारे में डिस्कस किया था. आइसोप्रीन यूनिट्स छोटे से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. C5H8 ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ये छोटे यूनिट्स आइसोप्रीन यूनिट्स इवन नंबर्स के अंदर एक दूसरे के साथ अरेंज होकर, यानी दो आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन होकर या चार आइसोप्रीन यूनिट्स या सिक्स आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन होकर, यूँ डिफरेंट टाइप के टर्पीन्स फॉर्म करते हैं जिनमें मोनोटर्पीन्स यानी जो कि टू यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं, फिर इसी तरह से डाइटर्पीन्स जो फोर यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन्स. तो टर्पीन्स में इनकी नेचर क्या है? टर्पीन्स में ये टेट्राटर्पीन ग्रुप से बिलोंग करते हैं. टेट्राटर्पीन्स का मतलब है कि ये ऐसे टर्पीन्स हैं जो एट आइसोप्रीन यूनिट्स की कम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं. इसके बरक्स जो हमने क्लोरोफिल में फाइटोल पढ़ा था वो बुनियादी तौर पर एक डाइटर्पीन मॉलिक्यूल था, लेकिन ये टेट्राटर्पीन इन नेचर होते हैं. तो इन कैरोटीनॉइड्स की डिफरेंट टाइप्स का केमिकल स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफर करता है एक दूसरे के साथ. इस वजह से हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाएंगे जिस तरह से हमने क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि क्लोरोफिल की सारी टाइप्स सिवाय एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसे आर ग्रुप कहा जाता है उसके
अलावा उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ वो अपने आर ग्रुप की बेसिस के ऊपर डिफर करते हैं। तो उनके बरक्स ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इनका केमिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से चूंकि थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इस वजह से आपके कोर्स में इनका केमिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडेड नहीं है। तो आपने इनकी केमिकल नेचर के हवाले से सिर्फ ये इतना बयान करना है। आप क्या बताएंगे कैरोटीनॉइड्स की केमिकल नेचर क्या है? आपने बताना है इसमें कि ये टर्पिनॉइड लिपिड्स से बिलोंग करते हैं। टर्पिनॉइड लिपिड्स की एक काइंड है टर्पीन्स, जो कि आइसोप्रीन यूनिट्स के बने हुए होते हैं। टर्पीन्स में ये टेट्रा टर्पीन इन नेचर हैं, यानी ये 8 आइसोप्रीन यूनिट की कम्बिनेशन से वजूद में आते हैं। तो केमिकल नेचर के बाद हम देखते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं। देखिए, कैरोटीनॉइड्स की दो मेजर टाइप्स प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। उनमें से एक टाइप को कहते हैं कैरोटीन और दूसरी टाइप को कहते हैं ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, इन दोनों के कलर शेड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दोनों हैं तो ये टर्पिनॉइड टाइप के कंपाउंड्स, लेकिन इनके केमिकल स्ट्रक्चर में जो स्लाइट डिफरेंस पाया जाता है उसकी वजह से इनका कलर शेड मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो कैरोटीन्स हैं, कैरोटीन्स ये ऑरेंज रेड कलर के कंपाउंड्स हैं, जबकि इसके बरक्स ज़ैंथोफिल का कलर येलो होता है, ये येलो कलर के कंपाउंड्स होते हैं। कैरोटीन्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरोटीन, जो ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादातर प्लांट्स में आपको वो कैरोटीन मिलेगा, उस कैरोटीन की एग्जांपल है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैरोटीन है। और इसी तरह से ज़ैंथोफिल में अगर हम इसकी जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑब्जर्व करें, तो वो इसकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड है ल्यूटेन। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, इन दोनों की अगर हम अक्रेंस देखें कि ये प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसमें लीव्स के साथ साथ फ्लावर, इसके अलावा फ्रूट वॉल भी इसमें इंक्लूड करेंगे, फ्रूट वॉल। मैं आपको आगे इनके फंक्शंस एक्सप्लेन करते हुए इस बात के बारे में बताऊंगा कि ये फ्लावर्स और फ्रूट वॉल के अंदर इनका क्या स्पेशल पर्पज़ है। जी, तो आपने देखा कि ये कैरोटीनॉइड प्लांट बॉडी में इन पार्ट्स में मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल डिफरेंट प्लांट्स की बात करें कि ये डिफरेंट प्लांट्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की अक्रेंस किस तरह से है, तो आप याद रखिए कि क्लोरोफिल ए की तरह कैरोटीन भी एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, विच इज़ फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स। यानी इसमें जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक एल्जी हैं यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उनके अंदर भी ये कैरोटीन मौजूद है। लेकिन ज़ैंथोफिल आपको एल्जी की डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आएगा। किसी ग्रुप के अंदर आपको ज़ैंथोफिल मिलेगा और किसी ग्रुप में ज़ैंथोफिल नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता हायर प्लांट्स जितने भी हैं उनके पास ज़ैंथोफिल ज़रूर मौजूद है। लिहाजा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की अक्रेंस डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में वेरी कर रही है। इस लिहाज से अगर आपसे किसी एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि विच पिगमेंट इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स, तो उसमें आपने क्लोरोफिल ए को भी कंसिडर करना है और कैरोटीन को भी कंसिडर करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विच पिगमेंट इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसी सूरत में कोई भी ऐसा पिगमेंट हमारे सामने नहीं आता जो कि तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिवर्सली प्रेजेंट हो। वो इस वजह से कि बैक्टीरिया में एक अलग टाइप का क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लिहाजा क्लोरोफिल ए को या कैरोटीन को इस केस में आप पिक नहीं करेंगे। तो एमसीक्यू में सम टाइम इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। जी, तो अब डिस्कस करते हैं कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन या रोल क्या है प्लांट बॉडी में। जी, तो कैरोटीनॉइड्स प्लांट बॉडी के अंदर एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट का मतलब ये होता है कि ये पिगमेंट लाइट रिएक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली प्लांट बॉडी के अंदर पिगमेंट्स ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं। हम आने वाले लेक्चर के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस ग्रुप को कहते हैं फोटोसिस्टम। तो किसी फोटोसिस्टम में पिगमेंट्स इस तरह से एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें ये बहुत सारे पिगमेंट्स एक दूसरे के साथ यूँ इस तरह क्लस्टर बना रहे हैं। तो ये जो आपको क्लस्टर नज़र आ रहा है बहुत सारे पिगमेंट्स का, ये क्लस्टर कहलाता है फोटोसिस्टम। और इस फोटोसिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। इस फोटोसिस्टम का एक हिस्सा कहलाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है रिएक्शन सेंटर। आप ये
देखिए कि जो सेंटर के अंदर आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये दरअसल रिएक्शन सेंटर है, और इसके बरक्स जो इसका आउटर पोर्शन नजर आ रहा है इसे कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यू ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आप यहाँ पर फिलहाल याद रखिए कि ये जो क्लस्टर है बहुत सारे पिगमेंट्स का, इसे फोटोसिस्टम कहा जाता है, जिसके ये दो हिस्से हैं। तो ये आपको जो आउटर पोर्शन नज़र आ रहा है जिसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, इस हिस्से के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होंगे वो दरअसल एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाएंगे। वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स और इसके अलावा क्लोरोफिल बी। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, कैरोटीनॉइड्स, उसमें दोनों कैरोटीनॉइड्स इंक्लूडेड हैं और इसके साथ साथ क्लोरोफिल बी। तो ये कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट्स का रोल प्ले करते हैं और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनको एक्सेसरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है? इनको एक्सेसरी पिगमेंट इस वजह से कहा जाता है कि ये लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। दरअसल ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स रीजन है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। जो भी कोई लाइट सोर्स होगी वहाँ से लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में स्ट्राइक करती है प्लांट बॉडी के ऊपर, और ये फोटॉन्स यहाँ एंटीना कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब होते हैं। फोटॉन्स के यहाँ पर एब्जॉर्ब होने से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फिर वेरियस पिगमेंट्स के अंदर फ्लो करना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर की जानेब मूव करेंगे। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर कंटेन्स ओनली क्लोरोफिल ए, यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल ए मौजूद है। तो क्लोरोफिल ए में जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्लोरोफिल ए के अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फिर क्लोरोफिल ए से निकल कर, यानी रिएक्शन सेंटर से निकल कर, इसके साथ जो क्लोजली एसोशिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है, उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल्स के थ्रू इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अब फ्लो करते हुए जा रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो टेक प्लेस होता है तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जरिए आगे लाइट रिएक्शन ड्राइव होगा। तो लाइट रिएक्शन में ये रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए का डायरेक्ट रोल है, इस वजह से इस क्लोरोफिल ए को डेजिग्नेट किया गया एज नेसेसरी पिगमेंट। ये कहलाता है नेसेसरी पिगमेंट क्योंकि इसने लाइट रिएक्शन को ड्राइव करना है। लेकिन इसके बरक्स कैरोटीनॉइड्स प्लस क्लोरोफिल बी, इनको एक्सेसरी पिगमेंट का स्टेटस दिया गया है। एक्सेसरी पिगमेंट का मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देंगे, और आगे फिर लाइट रिएक्शन को किस तरह से ड्राइव करना है ये क्लोरोफिल ए का काम होगा। तो इस वजह से इन पिगमेंट्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। इन एक्सेसरी पिगमेंट्स का यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर में मौजूद है ये स्ट्रॉन्ग लाइट के इफेक्ट से बच जाता है, वरना अगर ये एक्सेसरी पिगमेंट्स ना होते और ये सारी लाइट रेडिएशंस क्लोरोफिल ए को एब्जॉर्ब करना पड़ती तो ऐसी सूरत में ये ओवर ऑक्सीडाइज हो जाता, यानी ये बर्न हो सकता था। तो असल में इसकी बर्निंग को, ओवर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर इसकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। तो आप इनका रोल जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपने ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर बताना है कि कैरोटीनॉइड्स अलॉन्ग विद क्लोरोफिल बी एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट। इट मीन्स दैट दीज पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिट इट टू द क्लोरोफिल ए। सो इन दिस वे दीज पिगमेंट प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम ओवर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए की ओवर ऑक्सीडेशन से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस फोटोसिस्टम को। तो ये इन कैरोटीनॉइड्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसके अलावा भी आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो फाउंड इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट वॉल। तो वहाँ पर फ्लावर पेटल्स और फ्रूट वॉल के अंदर इनकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से इसका एक और ख़ास रोल यहाँ पर डिटरमिन होता है, और वो रोल ये कि ये दरअसल अट्रैक्टिव कलर्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स विजिट करते हैं, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो विजिट करते हैं, एनिमल्स विजिट करते हैं प्लांट्स की तरफ, और इन एनिमल्स से और इन इंसेक्ट्स के ज़रिए दरअसल पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स
दूसरे प्लांट की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरह से अगर ये पिगमेंट्स मौजूद ना हो तो प्लांट अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएंगे और इंसेक्ट्स और एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो फिर पॉलिनेशन की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। ये भी आप इनका रोल पॉइंट आउट करेंगे कि कैरोटीनॉइड्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन, दस दे फैसिलिटेट द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ ग्राफ दैट शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। जैसे अभी हमने अपने लेक्चर में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उनमें क्लोरोफिल की दो टाइप्स आपने देखी, क्लोरोफिल ए और बी, और इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स की दो मेजर टाइप्स आपने कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के बारे में देखा। तो ये जो मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंट टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस बात का क्या एविडेंस है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? इस बात का जो सबसे मेजर एविडेंस है वो ये है कि ये डिफरेंट कलर्स के नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते होंगे। हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए अपने पहले लेक्चर में इस बात का जिक्र किया था कि पिगमेंट कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और किसी पिगमेंट में जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है वो उसमें नज़र नहीं आती है, लेकिन जो वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती और वो रिफ्लेक्ट करती है वही वेवलेंथ हमें नज़र आती है, यानी वही कलर उस पिगमेंट में हमें नज़र आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल ए ब्लूश ग्रीन है और क्लोरोफिल बी स्लाइटली येलोइश ग्रीन है, और इसी तरह से अभी हमने जो कैरोटीनॉइड्स के बारे में डिस्कस किया कि कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन ये ऑरेंज रेड पिगमेंट था और इसके मुकाबले में ज़ैंथोफिल येलो पिगमेंट है, तो अगर ये पिगमेंट्स डिफरेंट कलर के हैं तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते होंगे। तो अगर हम किसी भी पिगमेंट में ये ऑब्जर्व करें कि वो कौन कौन सी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है, तो इस तरह का डाटा अगर किसी भी पिगमेंट के मुतालिक एक ग्राफ की फॉर्म में इंडिकेट किया जाए तो ऐसे ग्राफ को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम किस तरह से हासिल करते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हासिल करने का तरीका ये होता है कि आपने चैप्टर 1 के अंदर एक टेक्निक पढ़ी थी, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम दरअसल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हुए किसी भी पिगमेंट के बारे में ये जान सकते हैं कि वो पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल आप चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम किसी भी पिगमेंट का सैंपल पुट करते हैं और उस सैंपल से हम लाइट पास करवाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि उस सैंपल के अंदर मौजूद पिगमेंट ने उन डिफरेंट वेवलेंथ्स में से कौन कौन सी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब किया है, और उसका डाटा एक ग्राफ की फॉर्म में ये हमें प्लॉट करके देगा। तो ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उनके जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो डिफरेंट पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे से हमें डिफरेंट नज़र आते हैं, और उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो डिफरेंट पिगमेंट हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस तरह के नज़र आते हैं और कौन कौन सी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं वो हम इन ग्राफ्स के अंदर देखते हैं। जी, डिफरेंट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको इस तरह से नज़र आएंगे। आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं हमने दो एक्सेस शो किए हैं, आपको एक्स एक्सेस के ऊपर वेवलेंथ्स की रेंज नज़र आ रही है। आप जानते हैं कि जो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक वेरी करता है, और जबकि यहाँ पर वाई एक्सेस के ऊपर परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन शो की है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हासिल करदा डाटा को इस तरह से इन दो एक्सेस के ऊपर प्लॉट किया जाता है। आपको यहाँ पर ये तीन डिफरेंट ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। जैसे आप अगर ये ब्लू ग्राफ के ऊपर गौर करें तो ये ब्लू ग्राफ ये बेसिकली क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरोफिल ए ने ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इस क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड की गई, तो क्लोरोफिल ए ने इन डिफरेंट कलर्स की लाइट को, इन डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब किया है। इसकी आपको ये एब्जॉर्प्शन पीक्स इन ख़ास वेवलेंथ्स के ऊपर नज़र आ रही हैं, और जबकि इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स में
आपको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह से आप क्लोरोफिल बी का अगर आप ये ग्राफ मुलाहिज़ा करें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट जगहों पर आपको नज़र आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। और ऐसा क्यों होता है? दरअसल इनके स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने कल देखा था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में बहुत मामूली सा डिफरेंस है, सिर्फ एक आर ग्रुप जो पोरफायरिन रिंग के सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर पाया जाता है, तो उस आर ग्रुप के डिफरेंस की वजह से क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो भी एक दूसरे से डिफर कर रहा है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम क्लोरोफिल को कंपेयर करें तो ओवरऑल आपको क्लोरोफिल दो जगहों पर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आएंगे। ये दोनों क्लोरोफिल ओवरऑल आपको दो जगहों पर लाइट एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पोर्शन इसमें वायलेट ब्लू पोर्शन है, वायलेट ब्लू पोर्शन बेसिकली 400 से लेकर 470 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो वायलेट ब्लू पोर्शन इन क्लोरोफिल के ज़रिए ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसी तरह से ऑरेंज रेड पोर्शन भी ये क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ऑरेंज रेड वेवलेंथ की जो रेंज है वो है 630 नैनोमीटर से लेकर 660 नैनोमीटर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ओवरऑल कौन सी वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपने ये रेंज ऑफ वेवलेंथ याद रखनी है कि ये दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो 400 से 470 नैनोमीटर जो वायलेट ब्लू पोर्शन है, और इसके अलावा ऑरेंज रेड जो 630 से 660 नैनोमीटर तक का पोर्शन है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आप अगर कैरोटीनॉइड्स का ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पर ये दोनों कैरोटीनॉइड्स का इकट्ठा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ये रेड ग्राफ आपको कैरोटीनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, और इससे पता चल रहा है कि कैरोटीनॉइड्स ने जिस पोर्शन को एब्जॉर्ब किया है वो पोर्शन मेनली ये ब्लू पोर्शन है, वायलेट से ब्लू पोर्शन को इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। और ये वेवलेंथ कितनी बनती है? तो ये वेवलेंथ बनती है 430 से लेकर 500 तक, यानी कैरोटीनॉइड्स मेनली एब्जॉर्ब 430 टू 500। तो ये इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को कैरोटीनॉइड्स ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह आपने देखा कि डिफरेंट पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक दूसरे से वेरी करती है। ये डिफरेंट पिगमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन क्यों शो कर रहे हैं? इस वजह से कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और उसी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक दूसरे से डिफर करना शुरू कर देती है। अच्छा, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है? एक्शन स्पेक्ट्रम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने जब रोल ऑफ लाइट को डिस्कस किया था तो उसमें एक्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट लर्न किया था। तो याद रखिए कि एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली वेवलेंथ की इफेक्टिवनेस को इंडिकेट कर रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इनको कन्फ्यूज़ नहीं करना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम किसी पर्टिकुलर पिगमेंट की एबिलिटी को, उसकी कैपेसिटी को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसके बरक्स जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट की इफेक्टिवनेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमिन की जाती है। तो इस तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, इनको आपस में आपने कन्फ्यूज नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने अपने जिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स, और इसके साथ साथ हमने अक्रेंस एंड फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड को भी डिस्कस किया, और इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि एक्सेसरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट में क्या फ़र्क होता है। और इसके अलावा आज के लेक्चर में आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी बताया, और उसमें आपने देखा कि डिफरेंट पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे से डिफर करते हैं, और हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर भी किया है। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। तो हम अगले लेक्चर के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस तरह से अरेंज होते हैं, यानी ये जो फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज आपको बताया था उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब लाइट अब्जॉर्ब होती है इस फोटो सिस्टम में
तो उस लाइट को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। जी तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको फ़ेस करनी पड़ती है तो आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे आपकी फ़ीडबैक अपने लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव करने में हेल्प देगी और इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में और बेहतर अंदाज में आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो सो दैट यू कुड बी नोटिफाइड अबाउट एनी न्यू वीडियो लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजी गार्डियन। And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.